dear students, I'm Madhu. I teach you computer. Dear students, in the previous video we have already discussed about in main parts of computer, like as CPU, monitor, keyboard and mouse. Now today we will discuss about storage device of computer. Storage device of computer. What is use of storage device of computer? Firstly, we know about what is storage. What is means by storage? Storage means store data. What is means by storage? Storage means to keep something for a period of time, like you keep your clothes in almari or you keep your books in your school bag. Storage means to keep something for a period of time. यानी आप कुछ समय के लिए जो अपनी things को, वस्तु को आप किसी जगह पे रखते हो, that means storage. Like as keep your clothes in almari. आप जो भी डेली रूटीन में कपड़े पहनते हो उसको कुछ समय के लिए अलमारी में रखते हो. ये आर यू कीप योर बुक्स और कॉपीज इन योर स्कूल बैग. जो आप पढ़ने के लिए बुक और कॉपी का यूज़ करते हो वो कहाँ पे रखते हो? कुछ समय के लिए स्कूल आने के लिए आप कहाँ रखते हो? स्कूल बैग में. या कीप योर बुक एंड कॉपी इन रैक. आप रैक में भी अपने उसके अपनी बुक और कॉपी को कुछ समय के लिए रखते हो. इस कॉल्ड स्टोरेज. ओके, क्लियर? आपको स्टोरेज मीन्स क्लियर हो गया? ओके, अब कंप्यूटर में स्टोरेज क्या होता है? व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर? व्हाट इज स्टोरेज इन कंप्यूटर? या ये भी कहें कि व्हाट इज स्टोरेज इन कंप्यूटर रिलेटेड रिलेटेड विथ थिंग्स. तो फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज स्टोरेज. स्टोरेज मीन्स स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर. कंप्यूटर में स्टोरेज का मीन्स क्या होता है? कंप्यूटर में स्टोरेज मीन्स क्या होता है? स्टोरेज मीन्स स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर बाय सम स्टोरेज डिवाइस. बाय यूज टू सम स्टोरेज डिवाइस. कुछ ऐसे स्टोरेज डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करते हैं, लाइक एस फ्लॉपी, सीडी, आरडीवीडी, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क. यहाँ देखिए, ये है फ्लॉपी. फ्लॉपी का यूज हम कुछ डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, सम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, बहुत लॉन्ग डाटा को स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क का यूज या सीडी का यूज करते हैं. लेकिन आपका मतलब थोड़े से डाटा यदि रखना है तो हम फ्लॉपी का यूज करते हैं. लॉन्ग डाटा 700 MB तक के डाटा को यदि मुझे रखना है तो सीडी में रखते हैं. इसी ऊपर यदि जीबी में डाटा स्टोर करना है तो हम किस में करेंगे? डीवीडी में करेंगे. नाउडेज मोस्टली पीपुल यूज टू पेन ड्राइव. मोस्टली पीपुल डाटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का यूज करते हैं और अपने डाटा को उसमें स्टोर कर लेते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए. और सबसे ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए डाटा जो यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए वो है हार्ड डिस्क. आपके कंप्यूटर में भी जो डाटा स्टोर करने के लिए जो डिवाइस लगी हुई होती है वो क्या लगी होती है? हार्ड डिस्क. आपके सीपीयू में आपके डाटा को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस लगती होती है उसे क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क. तो सो इट इज क्लियर व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस एंड सम डिवाइस ऑफ स्टोरेज डिवाइस एंड इट इज यूज. आप इसका यूज भी जानिए और स्टोरेज मीन्स क्या होता है
कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? फ्लॉपी, सीडी या डीवीडी, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। ये जो है सब स्टोरेज डिवाइस यूज इन कंप्यूटर। सो लर्न इट। सब स्टोरेज डिवाइस नेम। नेक्स्ट आप फिगर देखिए, वर्कशीट है आपकी बुक में 42 पेज नंबर। स्पेल द वर्ड दिया है, ये देखिए किसकी स्पेलिंग है, फ्लॉपी की। अभी हमने आपको फ्लॉपी बताया ना, एफ एल ओ डबल पी वाई फ्लॉपी, एच ए आर डी हार्ड, डी आई एस के हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कहाँ लगी होती है? आपके कंप्यूटर में। कंप्यूटर का सीपीयू आपने देखा है ना, उसी कंप्यूटर के सीपीयू में ये हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। फिर क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी को हम, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सी ओ एम पी ए सी टी, कॉम्पैक्ट डी आई एस के डिस्क। राइट एंड लर्न। अब इसको आप राइट कीजिएगा अपनी कॉपी में, लर्न कीजिएगा। सीडी हैज मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। स्टोरेज डिवाइस का यूज हम डाटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए करते हैं। मैचिंग देखिए, फ्लॉपी कहाँ है? ये है। अभी हमने फिगर में आपको दिखाया ना, फ्लॉपी कहाँ है? ये है। तो आप क्या मैच करेंगे? फ्लॉपी को कैसे मैच करेंगे? यहाँ से मैच करेंगे, ये हुआ आपका फ्लॉपी। सीडी कहाँ है? यहाँ से यहाँ। और हार्ड डिस्क कहाँ है? यहाँ से यहाँ। क्लियर? ओके, आप इसे अपनी बुक में अच्छे से फिल कर लीजिएगा एंड कॉपी में राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 43 की बात का शीट है, ये देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर देखिए ये सारे वर्ड दिए गए हैं, इसको आप अपने से फिल कीजिएगा, यानी डू बाई वर्क इन डू द होमवर्क। ओके, क्लियर? नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू।